राम राम दोस्तों, मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये है ईख, गन्ने की फसल है। इसी गन्ने से गुड़ बनता है, चीनी बनती है, बूरा बनती है और खांड बनती है दोस्तों। और गुड़ कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी वीडियो में बने रहिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गन्ने से गुड़ कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले साथियों, किसान गन्ना लेके यहाँ पे आते हैं कोल्लू में। ये काटा आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे तोल के और फिर कोल्लू वाले जो हैं गन्ने को यहाँ पे डाल देते हैं अपने को इस तरह से, जैसे कि वो ट्रॉली आपको दिखाई दे रही है। किसान ये ट्रॉली भर भर के गन्ने लिया हुए हैं। और साथियों, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसको कोल्लू बोलते हैं। ये इस तरह यहाँ पे गन्ना डाल दिया, वहाँ से उठाकर फिर गन्ने की पिराई कुछ इस तरह हो है। ये देखो, ये भाई इसकी पिराई कर रहे हैं। 12-12, 13-13 गन्ने जो हैं एक साथ इसमें डाल दिए जा हैं। बड़ा कोल्लू है, इसके तीन पार्ट हों दोस्तों। ये बीच वाली छोटी गरारी है और दो, ये दो पार्ट हैं इसके बड़े बड़े, जो गन्ने का रस निकाल दे हैं। और खोई जो है वो बैक साइड निकल गया है, इस तरह की इसकी गरारी हो ये। और खोई आप न दिखाई दे रही होगी, सीधी ट्रॉली के अंदर है। ये यहाँ पे ऐसे रस निकलता है दोस्तों। ये दूसरी तरफ से गन्ना डालते हैं और इस तरफ से गन्ने का रस निकलने के बाद ये दोस्तों खोई है। बिल्कुल इसमें रस बिल्कुल भी नहीं है, सूख चुकी है ये बाहर निकलते ही। इस तरह से खोई निकलती है। और खोई फिर इस चैन द्वारा सीधी इस ट्रॉली के अंदर आ जाए। साथियों, पहले चैन नहीं होती थी, अब तो ये चैन लगाने लग गए जिस तक मजदूरी कम लग गया है। दोस्तों, जो कोल्लू खींचता है ये आइसर ट्रैक्टर का इंजन है, पुराना इंजन है आइसर ट्रैक्टर। और नलके का जुगाड़ भी इसी में कर रखा है, पानी निकालना हो और ये पट्टा चढ़ा रहे हैं फिर नलके का पानी सीधा यहाँ पर निकाल रहे हैं। इस तरह से खोई सुखा दी जा है जिसको ये ईंधन के रूप में प्रयोग कर सके। ये कोल्लू की भट्ठी है दोस्तों, ये अंदर से राख निकालते हैं जब ज़्यादा राख हो जाए। और ये जो भाई यहाँ पे झुकाई कर रहे हैं ये पाती है, ईख, ईख की पाती है या इसकी झुकाई यहाँ पर हो रही है। आप देख सको अंदर कितनी आग है। रस वहाँ से निकलने के बाद ये होद हैं दो यहाँ पर इकट्ठा हो है। अभी इसमें मैली है दोस्तों बहुत सारी गन्ने के रस में, इस होद से इस होद में ले आ जाएगा और फिर इस नाली द्वारा सीधा कढ़ाई के अंदर। ये पहला कढ़ा है दोस्तों, सबसे पहले रस यहाँ पर हुआ है, फिर उसकी मैली निकाली जा है। वो छलनी आपने दिखाई दे रही होगी, उस द्वारा इसकी मैली निकाली जा है
जो कि गन्ने का जो रस है उसका शुद्धिकरण कराया जा है और मैली फेर इस तरह टांग दी जा है। ये दूसरा कड़ा आया है दोस्तों, इसमें से रस इसमें जा है और ज़्यादा गर्म हो है, इसमें गर्माश कम है, इसमें ज़्यादा है। और जो तीसरा कड़ा आया है वो कुछ इस प्रकार से है, बहुत ज़्यादा भाप यहाँ पर उठने लग रही है और गुड़ की महक जो है बहुत अच्छी महक आने लग रही है भाई, मुंह में पानी आ गया। और ये बड़ा सा चप्पू जैसा यहाँ पर कुछ रखा हुआ है भाई, इसी से गुड़ को इसमें डाल लेते हैं। ये चाक है दोस्तों जिसके ऊपर ये गुड़ डालते हैं, यहाँ पर उसको ठंडा करते हैं और फिर ठंडा होने के बाद सीधे पैक कर दिया जाता है। ये यहाँ पर ड्रामों में पैक किया जा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह गुड़ बनाया जा है, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया जो कोल्लू हैं गामा में। और ये पीपे हैं दोस्तों, इस कोल्लू में जो है गुड़ के पेड़े नहीं बनाए जाते क्योंकि पीपे में पैक करके इन्हें शहरा में भेजते हैं और फिर दुकानदार जो हैं वे इनसे बाहर निकाल गए अपनी कटिंग कर ले हैं गुड़ की, जैसी भी उन्होंने करनी हो है किसी भी आकार में। तो ये इस प्रकार के कोल्लू है आगरा दोस्तों, ये कढ़ाए जैसे कि वो भाई अभी देखो मैली निकाल रहे हैं यहाँ गन्ने को, जो गन्ने का जो जूस है उसकी सफाई यहाँ पर चल रही है। तो बहुत मेहनत का काम है, सभी लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं जब जाके गुड़ प्राप्त हो है दोस्तों, जो बहुत मेहनत का काम है, शुरू है शुरू में किसान करे है फिर जो गुड़ बनानिया है वे करे हैं। तो राम राम दोस्तों, ये थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया कोल्लू का दिखाया और गुड़ कैसे बने हैं ये भी दिखाया। अरे भाई अभी इसको खोई जो है उसको पीछे की तरफ कर रहे हैं क्योंकि एक जगह ढेर लग जाए, इसका चैन सिस्टम है। तो दोस्तों ये था गुड़ बनाने का सिस्टम। राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत।